आभूषण कहाँ जा सकते हैं नंद? यदि आभूषण नहीं देने थे तो बहाना बनाने की क्या आवश्यकता थी? स्पष्ट रूप से मना कर दिया होता। भ्राताश्री, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे पास आभूषण नहीं है, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा नंद, लेकिन आज तुमने इन आभूषणों के लिए बता दिया कि तुम कितने बड़े लोभी हो। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? देवर जी की परिस्थिति समझने का प्रयत्न कीजिए। जब आभूषण घर में है ही नहीं तो वो कहां से देंगे आपको? मैंने आज तक हमारी पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जताया नंद। मुझे लग रहा था कि तुम सब संभाल रहे, किंतु आज ये प्रमाण मिल गया है कि तुम कितने स्वार्थी और लोभी हो नंद। क्षमा कीजिए देवर जी, इन्हें जाने क्या हो गया है, मैं इनके दुर्व्यवहार के लिए बहुत लज्जित हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भ्राताश्री को क्या हो गया। लल्ला जाओ, तुम राधा को ढूंढ कर लेकर आओ, मैं भ्राताश्री को मना दूंगा। बाबा किंतु। लल्ला मैंने कहा ना, तुम निश्चिंत रहो, भ्राताश्री अधिक समय तक मुझसे कुपित नहीं रह सकते। जाओ तुम राधा को ढूंढ कर लाओ। ठीक है बाबा। ब्रिजबान काका आप चिंता मत कीजिए, मैं राधा को शीघ्र ही ढूंढ कर लाऊंगा। लल्ला मैया क्या हुआ? आपकी अनुमति है ना तो मैं राधा को ढूंढने जाऊं। पुत्र राधा मिल जाए ये तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु लल्ला यदि तो फिर से किसी संकट में फंस गया तो? नहीं यशोदा बहन, कान्हा को कुछ नहीं होगा, कान्हा तो एक दिव्य बालक है। मैया मैं राधा को लेकर शीघ्र ही लौटाऊंगा, आप मेरी तनिक भी चिंता मत कीजिए। छोटी मैया आपका दाव भी है ना कान्हा के साथ, मेरे होते हुए कान्हा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चलिए हम राधा के घर में चलते हैं, राधा वहीं से ही गायब हुई है, अवश्य ही हमें वहां कोई सूत्र मिलेगा। चलिए दाऊ यहाँ तो कोई सूत्र ही नहीं दिख रहा। सारे मोर मेरे आंगन में, ये मोरों के पंख भी यहाँ गिर गए, ये मैं कान्हा को दूंगी, कान्हा को ये अवश्य अच्छे लगेंगे। और अब यही बंधनवास तुम्हारी रक्षा करेगा, समझ लो ये तुम्हारी सीमा रेखा है, तुम इससे बाहर मत जाना। इतने सुंदर मोर पंख है, मैं बस कान्हा के लिए मोर पंख भीतर ले आऊंगी, इतने से समय में कुछ नहीं होगा। Thank you.
राधा का अपहरण हुआ दाऊ, परंतु किसने किया राधा का अपहरण? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है, किंतु वो है कौन और राधा को कहाँ ले गया है, यह हमें शीघ्र ही ढूंढना होगा। मैं समझ सकता हूँ उपनयन कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही हो, किंतु जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम तुम्हें नंद की वास्तविकता का तो ज्ञान हुआ, तुम्हें ये तो पता चला कि तुम्हारे आदर्श भाई कितने कुटिल हैं। किंतु मित्र, मैंने तो आपसे कोई ऋण लिया ही नहीं। आपने नहीं नंद जी, आपके भ्राता उपनंद ने मुझसे द्यूत क्रीड़ा के लिए धन लिया था, अब वो द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो गए, अब आप ही अपने भाई का ऋण चुकाइए। भ्राता उपनंद ने द्यूत क्रीड़ा के लिए आपसे ऋण लिया था? जी। क्यों नहीं उपनंद, तुम्हारा भी अधिकार है तुम्हारी पैतृक संपत्ति पर, है? वैसे तुमने अभी तक कोई हिस्सा मांगा नहीं उस नंद से, अन्यथा आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किंतु कोई बात नहीं, अभी भी समय है, इससे पहले कि नंद तुम्हें संपत्ति से निष्कासित करे, तुम्हें अपना हिस्सा मांगना होगा। और स्मरण रहे, नंद ग्राम प्रमुख, वो छल के साथ बल का भी प्रयोग कर सकता है, इसलिए अपना हिस्सा सचेत रहकर मांगना, समझे? काना, इस मार्ग पर तो मोर के पंख गिरे हुए हैं। हाँ दाऊ, लगता है वो जानव मोर बनकर इस मार्ग से आया था या पुनः चला गया। तो चलो काना, हम भी इस मार्ग से चलते हैं। हाँ चलिए दाऊ। बुलबुले क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्या हुआ काना? बढ़ते ही जा रहे हैं। हम भी बुलबुले में फंस गए काना। हाँ दाऊ, और हमें इस बुलबुले से निकलना होगा। ये तो कोई मायावी बंदर है दाऊ। यदि तुम चाहते हो कि विवाद यही समाप्त हो जाए तो तुम्हें संपत्ति का बंटवारा करना होगा नंद, और संपत्ति के साथ ही मुझे ग्राम प्रमुख की पदवी भी देनी होगी, क्योंकि इस पद के लिए तुमसे अधिक योग्य मैं हूं। नहीं भ्राता जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु मैं आपको संपत्ति नहीं दे सकता। मैंने सुना है आप कुसंगति में फंसकर तुच खेलने लगे, यदि आपने संपत्ति को दांव पर लगा दिया तो। नहीं भ्राता जी, मुझे आपकी और आपके परिवार के भविष्य की चिंता है, मैं संपत्ति आपको नहीं दे सकता। आज तुमने मुझे तुम्हारी वास्तविकता का ज्ञात करा दिया है नंद, मैं तुमसे मेरी संपत्ति वापस लेकर ही रहूंगा।
ताप से भी नष्ट नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें? मेरे बल के प्रयोग से ये अवश्य नष्ट हो जाएगा। ये तो मेरे मुष्टी प्रहार से भी नहीं नष्ट हो रहा है, अब हम क्या करें कान्हा? यहाँ पर तो श्वास भी अत्यंत कठिनाई से आ रही है। हे वरुण देव, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम नारायण, प्रणाम बलराम। हे नारायण, ये बुलबुले दानव के मुख से निर्मित हो रहे हैं। इसका अंत ना तो सूर्य के ताप से हो सकता है और ना ही अग्नि से। इसमें जो भी व्यक्ति बंदी बनता है उसकी मृत्यु के पश्चात ही यह बुलबुला नष्ट हो सकता है। प्रभु, हे प्रभु, अब जाने की आज्ञा दीजिए। इसका अर्थ यह है कि हम में से किसी एक को अपना देह त्यागना होगा। दाऊ खाना, यह मैं त्यागूंगा। नहीं दाऊ, मैं आपको अपने साथ लेकर आया हूँ, और यदि आप अपने देह को त्याग देंगे तो मैं रोहिणी मैया को क्या मुक्ति खाऊंगा? इस समय मेरा ही देह त्यागना उचित होगा दाऊ। धनुपति, आपने मेरे नेत्र खोल दिए, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए कि मैं किस प्रकार अपने भ्राता से अपने अधिकार की संपत्ति वापस लूं। आपकी बात सत्य निकली, नंद ने मुझ पर ध्युत खेलने का मिथ्या आरोप लगाकर मुझे हमारी पैतृक संपत्ति से मिलने वाला हिस्सा देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उचित किया तुमने जो मेरे पास आए, अब घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर आप ही बताएं अब मैं क्या करूं। है एक मार्ग जिससे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। काना, तुम मुझे साथ नहीं लाए हो, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें देह त्यागने की क्या आवश्यकता है? नहीं दाऊ, नहीं काना, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, देखो मैं ही त्यागूंगा दाऊ। दाऊ, हम दोनों ही जीवित हैं। फिर ये बुलबुला अपने आप ही कैसे नष्ट हो गया? काना, वो देखो, वहाँ एक मक्खी मृत पड़ी है। गंधर्व। प्रणाम प्रभु। एक ऋषि के श्राप से मैं मक्खी बन गया था, और उस ऋषि ने कहा था कि जब तक मैं श्री हरि के काम नहीं आऊंगा तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इस मक्खी रूप में ही रहूंगा, और आज आपने मुझे ये सु अवसर दे ही दिया। प्रभु आप धन्य है। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। क्या हो रहा है? जिस परिवार में इतना प्रेम था, आज वहां इतना विवाद और कलह देखकर मन बहुत व्यतीत हो रहा है। क्या हो गया हमारे राधा श्री को? दूसरी ओर कान्हा और बलराम भी अभी तक नहीं आए। चिंता छोड़कर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि भ्राता उपनंद ये विचार त्याग दे और हमारे बालक शीघ्र लौट आए। काना, ये किसका क्रंदन? और ये मार्ग में रक्त क्यों पड़ा है? नंद बाबा, नंद बाबा, हमें ज्ञात हुआ है कि आपके भ्राता
आपका सैन्य विरोध करना चाहते हैं। हमारे पास ये भी सूचना है कि उन्होंने आपका सामना करने के लिए अपनी अलग सेना का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया है। आपकी एक दुर्दशा किसने की? प्रभु, एक महामायावी राक्षस देवी राधा का अपहरण करके ले जा रहा था। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे दुष्दानव। ये तो माता लक्ष्मी के समरूप देवी राधा है, प्रतीत होता है ये राक्षस उनका अपहरण करके ले जा रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। ये कौन है जिसने मेरा मार्ग रोकने का प्रयत्न किया? मैं हूं दानव। तुम्हें मैं आगे जाने नहीं दूंगा दानव। उसे रोकने का बहुत प्रयास किया परंतु वो अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने मुझ पर कई प्रहार तक किए। आपने राधा की रक्षा के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। कान्हा, अब तुम शीघ्र गरुण देव की पीड़ा समाप्त कर दो। हे प्रभु, आपने मुझे पुनः ठीक कर दिया। ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, आप ये बताइए कि वो दानव राधा को किस ओर ले गया? प्रभु, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ मैंने उस राक्षस को अंतिम बार देखा था। मैं वायु वेग से क्षण भर में आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। अवश्य। से विवाह करने के लिए राधा, तुम मुझसे ही विवाह करोगी। सेनापति, राज्य के कोने कोने में सेना का पहरा खड़ा कर दो। राधा शक्तिकाय के पास संदेश भेजिए और उनसे कहिए कि वो शीघ्र जाएं और कृष्ण का संहार करें।